गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइंडिंग टू प्लेस एंड स्टडिंग प्रॉपरली। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड दैट चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग। ये चैप्टर कौन सा है? डेटा हैंडलिंग। We are going to study about these things. Firstly, in the first video of the introduction, we will be studying about the various definitions that are related with the data handling. Clear? Kaun se term hai, what are their meaning, how are they related, and how you have to take those terms for the further solution of the questions. Clear? So today, just we'll be studying about the various terms that are related with the data handling. Clear? So I've just written it down for you in a proper way. You can read it from here. And it is, the first term is data. Data ka matlab kya hota hai? Suppose you have given maths examination, or maths examination aapne diya, there are 10 students. And if you write down the marks of all those 10 students, clear? Or 20 students, whatever is there. सो दैट बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ डेटा। वो क्या बना? एक तरह का डेटा बना। क्लियर? सपोज यू आर राइटिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ लास्ट 10 डेज, सो वो क्या बन रहा है? वो एक तरह का आपका डेटा बन रहा है। क्लियर? सो एनी न्यूमेरिकल फिगर, क्लियर, एनी न्यूमेरिकल फिगर दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल फिगर जो आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा। क्लियर? सो यू कैन क्लियरली सी हियर द कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड सेट ऑफ डेटा। क्लियर? तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल फिगर, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर जो हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। क्लियर? जैसे आप देखिए, मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स इन मैथ्स आर 27, 28, 35, 22, 18, 31, 32, 24 एंड 25। सो ये क्या बता रहा है कि किसी क्लास में मैथ सब्जेक्ट में बच्चे को कितना मार्क्स मिला है। क्लियर? ठीक है। अब ये जो डेटा है आपका, ये दो तरह का हो सकता है। क्लियर? जैसे ये डेटा जैसा ऑब्टेंड है, जैसा हमें मिला है, वैसा ही अगर छोड़ दे तो उसको बोलते हैं हम रॉ डेटा। क्लियर? द डेटा, द सेट ऑफ डेटा ऑब्टेंड इन ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड सेट ऑफ रॉ डेटा। ये जो ओरिजिनल फॉर्म में हमने छोड़ दिया, जैसा मिला, जैसे रोल नंबर 1 का 27 है, रोल नंबर 2 का 28 है, रोल नंबर 3 का 35 है, रोल नंबर 4 का 22 है, रोल नंबर 5 का 18 है, रोल नंबर 6 का 31 है, 7 का 32 है, रोल नंबर 8 का 24 है और रोल नंबर 9 का 25 है। तो ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा हमें मिला, उस डेटा को अगर हम उसी तरह से छोड़ दें तो उसको क्या बोलते हैं? हम रॉ डेटा बोलते हैं। वी कॉल दैट एज अ रॉ डेटा। क्लियर? लेकिन अगर हम उस डेटा को, जो ओरिजिनल फॉर्म में हमें डेटा मिला है, उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, दोनों में से किसी ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देते हैं, देन इट बिकम्स एन एरे। क्लियर? द सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। क्लियर? ऐसा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा चुका हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एरे बोलेंगे। जैसे आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, ये आपका मिक्स्ड है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। जो ये आपका डेटा है, रॉ डेटा, ये क्या है? किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ये मिक्स्ड है। 27, 27 के बाद 28, 22 फिर 18 है, यानी कि ग्रेटर और लेसर नंबर किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम इनको एक पर्टिकुलर पैटर्न दे दें, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है? तो अगर हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो उसे क्या बोला जाता है? एरे बोला जाता है। क्लियर? देखिए आप, यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जो रॉ डेटा का हम अरेंजमेंट करते हैं, तो उस डेटा को फिर क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज रेंज। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? नेक्स्ट टर्म है हमारा रेंज।
अब रेंज क्या होते हैं, सपोज यू हैव बीन आस्क्ड टू थ्रो अ बॉल, तो आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह तक फेंकते हो, तो सपोज यू आर एबल टू थ्रो अ बॉल फ्रॉम हियर टिल हियर पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपने बॉल को कहाँ से कहाँ थ्रो किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ये आपका क्या हुआ, दिस इज योर रेंज, मतलब लोवेस्ट पॉइंट से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट जो हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो अगर हम डेटा के केस में बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट डेटा की, डेटा में रेंज क्या होता है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोवेस्ट वैल्यू दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस जो होता है उसे हम रेंज बोलते हैं। क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड रेंज। क्लियर, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम रेंज बोलते हैं। क्लियर, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला हियर, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो अगर इस डेटा में हम देखें, एरे में जो अरेंज किया हुआ है हमारा डेटा, इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारा क्या है, 35 और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, 18। तो अगर हम 35 से 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो 17 हमारा क्या मिला, रेंज मिला। क्लियर, आर रेंज इज व्हाट, इट इज 17। अंडरस्टूड, नाउ अगेन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टर्म, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, सबसे पहले इसमें दो टर्म्स दिए हुए हैं, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो मतलब आपको पता है, बांटना, और टू अरेंज और टू डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये टर्म जो आपका फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है। जैसे अगर हम ये जो आपका डेटा हुआ, ऐसे डेटा हुआ, इसमें आप देखिए 27 एक अलग ऑब्जर्वेशन है, 28 एक अलग ऑब्जर्वेशन है, 35 एक अलग ऑब्जर्वेशन है, यानी ईच न्यूमेरिकल फिगर दैट इज प्रेजेंट इन द डेटा इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर दैट इज प्रेजेंट इन द डेटा इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब एक पर्टिकुलर डेटा में वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है। क्लियर, जैसे यहाँ देखिए 60 60 70 70 65 75 75 75 80 80 80 90 90, तो क्या हुआ, यहाँ पे सेम नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्लियर, तो जितनी बार वो नंबर रिपीट करेगा वो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे हम मार्क्स ऑब्टेंड इन साइंस टेस्ट हमने लिखे हैं, तो देखिए आप पहले ये डेटा को, ये डेटा हमारा रॉ डेटा है, इसको हमने एरे में अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो 60 60 दो बार है, तो हमने लिखा सबसे पहले मार्क्स का कॉलम बनाया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने बनाया, और लास्ट में टैली मार्क्स का कॉलम हमने बनाया। आप देखिए मार्क्स कितना है, 60 60 मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 2 times। क्लियर, 60 मार्क्स कितनी बार आ रहा है, 2 times, तो हमने लिखा फ्रीक्वेंसी के जगह पे 2। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 65, तो 65 कितनी बार है, जस्ट ओनली 1 times, 65 इज प्रेजेंट देयर ओनली 1 time, सो वील राइट फ्रीक्वेंसी 1। नेक्स्ट वी हैव 70 कितनी बार है, 1 2 and 3 times, 70 कितनी बार है, 1 2 and 3 times। क्लियर, सो यू कैन राइट हियर इज 3। अंडरस्टूड, नेक्स्ट 75, तो 75 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 times। क्लियर, सो 75 का फ्रीक्वेंसी हमने लिखा 5। नेक्स्ट यू कैन सी 80 1 2 3 4 times हमने लिखा 4, एंड लास्ट इज 90 1 2 and 3 times, सो आई रिटन 3। क्लियर, तो अब आपको समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर डेटा में एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी को हमने टैली मार्क्स की मदद से शो किया, तो 2 है तो 2 लाइन, 1 है तो 1 लाइन, 3 है तो 3 लाइंस, 4 है, सॉरी 5 है तो कितना, 4 लाइन एंड 1 क्रॉस,
फॉर वन टैली मार्क इज़ वन, फॉर टू इट इज़ टू, फॉर थ्री इट इज़ थ्री, फॉर फोर इट इज़ फोर, क्लियर, एंड फॉर फाइव इट इज़ फोर एंड वन क्रॉस. अगेन अगर आपको सिक्स लिखना है तो वन टू थ्री फोर क्रॉस एंड वन. अगर आपको टेन लिखना है, अगर आपको टेन लिखना है तो वन टू थ्री फोर क्रॉस, वन टू थ्री फोर क्रॉस. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टेन हो गया. क्लियर, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, फाइव. तो क्या हुआ, फोर और क्रॉस. फोर लिखना है फोर लाइन्स एंड थ्री लिखना है थ्री लाइन्स. क्लियर, सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू सी द फ्रीक्वेंसी टेबल. अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको मिला है एंड टैली मार्क्स आर ड्रॉन देयर एंड इट इज सेड दैट दिस इज द मार्क्स ऑफ मैथ्स और साइंस टेस्ट, सो कैन यू इंटरप्रेट दिस टेबल एंड टेल मी. हमने बोला कि 60 मार्क्स वाले में दो टैली मार्क्स है, इसका मतलब क्या है कि किसी दो बच्चे को 60 मार्क्स मिले हैं. क्लियर, आपका 75 मार्क्स वाले में फाइव टैली मार्क्स है, इसका मतलब किसी पांच बच्चे को 75 मार्क्स मिला है. सो दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट द टेबल एंड यू कैन डिराइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट. क्लियर, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन. थैंक यू.